वैसे मैं अभी 5-8 में हूँ शायद। अच्छा ए भाई 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 आई नो गाइस, यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी पता नहीं होगा कि ये प्लेयर कौन है और मैं और कुणाल इसको मार क्यों रहे हैं और ये कौन सी एसएमपी है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये स्कूल एसएमपी द रिबॉर्न एसएमपी है, कि स्कूल एसएमपी वापस से आ चुकी है पर एक नया रूप लेकर। पर ये सब अभी चल क्या रहा है, इसको जानने के लिए आपको थोड़ा वक्त में पीछे जाना पड़ेगा। तो कहानी शुरू होती है कुछ दिन पहले से, जब मैंने शुरुआत की स्कूल एसएमपी द रिबॉर्न की। अभी आ जाओ और देखो, पहला दिन पे मैंने क्या बताया था, नो फाइटिंग वगैरह, ठीक है, आराम से खेलना है सबको, कोई जदबाम जी नहीं करनी है। एक ही पेड़ है भाई, वो भी डीआर के तोड़ने चले गया। अरे नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे क्या, अरे इसमें और लकड़ियां है, और लकड़ियां है इसमें। तो स्कूल एसएमपी की मैं स्ट्रीम कर रहा था अपने सेकंड चैनल पर, जहाँ पे मैंने कुछ अपना बेसिक सा सामान ग्राइंड किया एंड सबसे पहले अपनी टीम में वंश गेमर एंडी को लिया, क्योंकि वही एक बंदा था जो कि हमेशा मेरी हेल्प करता था और हमेशा लॉयल रहता था। मेरी टीम में आने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। पहला कि मैं किसी भी बंदे को लेने से पहले उसको देता हूँ एक डायमंड एज अ साइन ऑफ ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी, कि उसको मेरी टीम में आके हमेशा ऑनेस्ट और लॉयल रहना होगा, एंड ऑफ कोर्स वफादारी। तो ये कुछ चीजें होती थी जो मैं अपने बंदों में देखता था और उनको अपनी टीम में लेता था। तो ऐसे ही चलते चलते मैंने डीआरके को भी अपनी टीम के अंदर ले लिया था। एंड अगर आपको ये सब चीजें लाइव होते हुए देखना है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे सेकंड चैनल को, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो डीआरके को लेना एक तरीके से मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। ये रहा डीआरके, हेलो। अरे वाह, हेलो, ये ले भाई भाई, पक्का टीम ज्वाइन कर रहा है? हां पक्का, साइन भी कर दो, लो देख साइन करके दे दो। तो डीआर के तो आज से हमारी टीम में, तो हमारा जो भी कॉमन सामान रहता है वो तू यूज कर सकता है, पर पूछ के, बिना पूछे किया तो फिर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, क्योंकि तेरे पास वैसे भी ऑलरेडी कमांड्स होंगे आई गेस 2-3। तो और यहाँ पे कोई भी गाय वगैरह को मारना नहीं है, ठीक है, ब्रीडिंग वगैरह करवाना है उन सब का। क्या सही समझ उसको नहीं आता, समझ दो आलू भी उगाएंगे हम अब तो। एकदम सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर फिर भी मैंने डीआरके को क्यों मारा। वो कहते हैं ना गाइस, कोई भी प्लेयर को देखते हो माइनक्राफ्ट में तो मारने की तो चुल हमेशा होती ही है। अब वो चुल हो गई थी मेरे अंदर भी, तो उसमें मैं क्या करता यार, मार दिया। एक बंदा आराम से काम करना चाहता है, काम भी करने देते कोई नहीं, काम कर रहा है, मजा करो, मजा करो। ये देखिए, अब तूने हाथ लिया, अब तुझे वापस देना पड़ेगा। तो ये सीन होने के बाद पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मैंने डीआरके को और 2 बार मार दिया और उसके बाद मैं स्ट्रीम करके उठ गया। और उसके बाद मैंने देखी डीआरके की स्ट्रीम और मैंने ये देखा। तो मेरे को डीआरके की स्ट्रीम पे एग्जैक्टली क्या दिखा बता दूंगा फिर। रुक, शेडर्स लगा लेता मैं। अलग अलग ए मारना मत, अगर मारा आर्ट्स मिल गया बेबी। तो डीआरके मेरे पे हाथ उठा लेता या फिर किसी और पे हाथ उठा लेता, पर उसने वीजीआई पे हाथ उठा दिया। मैं अब डीआरके को नहीं छोड़ने वाला। तो मैंने प्लान किया डीआरके से इतना खतरनाक रिवेंज लू कि उसने कभी सपने में भी ना सोचा। तो उसके लिए गेस व्हाट, मैंने अपनी टीम में कुणाल को ले लिया। अब कुणाल को मैंने इसलिए लिया क्योंकि आप लोग तो जानते हो कि कुणाल को पीवीपी करना बहुत अच्छे से आता है और मेरे को थोड़ा बहुत आता है। तो कुणाल की हेल्प लेकर मैं डीआरके से रिवेंज लेने वाला हूँ। डीआरके अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो जितना हो सके बच ले, पर तू हमारे हाथों कभी नहीं बचेगा। हेलो विजय, कहाँ पे हो भाई? यार डीआरके ने मार दिया था मेरे को। कब? हाँ वो मैंने एक्चुअली उसका स्ट्रीम देखा था। हाँ वही तो भाई, पर लाइक मैं समझ गया, पता है मैंने उसको पता है बोला था कि मैं तेरे को हार्ट्स दे दूंगा। कौन सा स्ट्रक्चर? अरे ये पता नहीं बहुत अजीब सा है यार, पता नहीं ये किसने बनाया है या फिर क्या है, मेरे को नहीं पता। ओ भाई, स्क्रीन शेयर में दिखा, घूम रहा था मेरे को ये दिख गया, बताओ।
दिखा एक सेकंड कॉर्ड से ऐड कर कॉर्ड्स अभी अभी रुक जा मेरे को बाद में दे देना ठीक है रुक जा पर अभी कौन किसने बनाया अभी वही मेरे को भी नहीं समझ आ रहा SMP तो अभी अभी बनाया है हाँ तो सुन मैं ना तेरे को कुछ कह रहा था वो पर देख अभी मैं तेरे को बोल रहा हूँ डायरेक्ट फ्रैंकली तेरे पे ट्रस्ट करना सही है क्या अभी जहाँ तक मेरे को पता है तू कोई टीम में नहीं है अभी नहीं नहीं अभी तो नहीं हूँ पक्का अरे पक्का तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से DRK के पास फिलहाल में होंगे 5 हर्ट्ज तो वो 5 हर्ट्ज पे DRK अभी जिंदा है तो अगर हम उसको मार मार के बैन करवा देते हैं उसके बदले तो देख मेरी टीम का ना एक रूल है मैं तेरे को सबसे पहले अपनी टीम में लेना चाहता हूँ ओके मैं रेडी हूँ उसके हाँ तो पहले रूल्स बता देता हूँ मैं तेरे को टीम में लूंगा एक डायमंड देके हमारे टीम का एक रूल होता है कि हम जैसे किसी नए प्लेयर को देते लेते हैं उसके बदले हम उसको एक डायमंड देते हैं ठीक है ताकि हम उसको एज दिखा सके कि अ साइन ऑफ वर्दीनेस समझ रहा है साइन ऑफ ऑनेस्टी पर मैं तेरे को ना मेरे पास अभी मैं बता रहा हूँ मेरे पास अभी है कुछ गोल्डन एप्पल्स है मेरे पास फिलहाल मैं तेरे को 2 गोल्डन एप्पल्स दूंगा 2 ठीक है और 26 आयरन दूंगा और बदले में DRK के 2 हार्ट्स तेरे बाकी 3 तुमको देना बाकी 3 मेरे को देना पर मैं तेरे को बदले में 2 गोल्डन एप्पल और 26 आयरन के ओर दे रहा हूँ और नहीं एक्चुअली स्मेल्टेड आयरन दे दूंगा Okay. तो अभी देख मेरे ज्यादा ग्राइंड नहीं किया तो इतना मैं अभी रिच हूँ नहीं ताकि मैं तेरे को बहुत अच्छी प्राइस दे सकूँ पर फ्यूचर में अगर हम साथ में मिलके ग्राइंड करेंगे तो अब ऑब्वियसली हम रिचेस्ट टीम बनी जाएंगे ठीक है विजय कॉर्ड्स दे दो तुम लोगों को अरे हेलो युग ओ यस ओ ये रहा तो देख देख नीचे यस यस नीचे देख ओ देख 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 मेरा फार्म रून मत करना देख तो कुणाल फाइनली तो हमारी टीम में आ चुका है एज अ साइन ऑफ वर्दीनेस एंड ऑनेस्टी ओके अच्छा तो उस चेस्ट में ना कुछ रेडस्टोन वगैरह भी पड़ा है तो उसको तुम बिल्ड में यूज कर सकते हो एंड यहाँ पे आ जाओ हम तुम्हें अपना सीक्रेट बेस बनाते थे सीक्रेट बेस तो नहीं वो एक टाइप से घर ही है अंडरग्राउंड घर अभी विजय ने इसको बनाना स्टार्ट ही किया है जस्ट सही है बहुत तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा और भी लाइक एक्वेरियम बना देना यहाँ पे अरे उसको मारने के लिए तो हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना कि अगर उसका हम लोग कहीं बेड पर रिस्पॉन पॉइंट सेट करा लें फिर उसको हम लोग स्पॉन किलिंग करें ये भी सही है स्पॉन किलिंग बेटर रहेगा बट देख कुणाल अब एक बार उससे हमारा पंगा हो चुका है तो अब वो वापस ऐसा नहीं करने वाला क्योंकि अब उसमें इतनी तो समझ आ गई होगी कि मेरे को कहीं पे भी इनकी बातों में उलझना नहीं है तो वो अभी इस बार बहुत चौकन्ना हो चुका होगा तो हमें भी अपने मूव्स जानकर और देखकर ही खेलने होंगे बट अभी DRK को ये तो नहीं पता ना कि मतलब मैं तुम्हारी टीम पे आ गया DRK को अभी कुछ नहीं पता है बट अभी गाइस रॉयल्टी को ये सब बात पता है क्योंकि रॉयल्टी हमारा एक अच्छा दोस्त है और वो अभी किसी की टीम में नहीं है और वक्त आने पे हम रॉयल्टी को भी अपनी टीम में ले सकते हैं वो आगे की बात है वो फ्यूचर में ही देखी जाएगी तो उसके बाद मैंने फाइनली बना लिया था एक नेदर पोर्टल एंड मैं XP की तलाश में चला जाता हूँ नेदर के अंदर एंड माइन करने लगता हूँ थोड़े से क्वार्ट्स यहाँ पे मैं इतनी अच्छी खासी तरीके से माइनिंग कर रहा था पर यहाँ पे क्या हो जाता है आप ही देख लो तो यहाँ पे मैं मरने वाला था लावा में गिर के बट मैंने बहुत जल्दी जल्दी में गेम को बंद किया मैंने सोचा कि कुणाल को बुलाऊंगा और नीचे उससे ब्लॉक्स प्लेस करवाऊंगा ताकि बच जाऊँ बट मैं डिस्कनेक्ट करने में कुछ ज्यादा ही लेट हो गया एंड ओके तो अभी जो हुआ उसको भूलना पड़ेगा एंड अपने को वापस से आना पड़ेगा क्योंकि अपने को रिवेंज लेना है एंड नेवर गिव अप तो इसी बात पे मैं फटाफट से अपना कुछ आयरन उठाता हूँ चेस्ट में से और उसके बाद उसको स्मेल्ट करने लगता हूँ एंड धीरे धीरे मेरे पास उतना सामान आ जाता है जितना मेरे पास पहले था बट ना ही डायमंड्स आते मेरे पास और ना ही मेरी XP आती है लाइक मेरे साथ अभी इतना बुरा हो रहा था वो कम है कि अभी एक और चीज़ बुरी हो गई हमारे सर्वर पे एक प्लेयर जिसका नाम है क्लैशिंग रॉयल्टी उसको हमारे बेस के कोऑर्डिनेट्स दिख गए और वो हमारे बेस के अंदर घुसने की ट्राई कर रहा था तो मैंने सोचा यहाँ पे अपना 999 IQ लगाते हैं और अच्छा रॉयल्टी सुन तो तू हमारा देख बेस तूने हमारा डिस्कवर कर लिया है
तो अब हम अभी जो है फिलहाल को कोई भी फाइट करना नहीं चाहते, और हम नहीं चाहते कि अभी किसी को भी एसएमपी में वॉर स्टार्ट हो। तो देख तूने हमारा बेस देख लिया, तो हम तेरे को ऑब्वियसली टीम में लेना चाहते हैं। हाँ तो देख रॉयल्टी, अगर तेरे को हमारी टीम ज्वाइन कर ली है तो उसके लिए तेरे को फॉलो करने पड़ेंगे कुछ रूल्स। तो देख सबसे पहला रूल तो ये है हमारी टीम में, आई मीन हमारे पूरे गैंग का, कि तेरे को हमारी टीम में आते ही मिला जाएगा एक डायमंड ऑफ ऑनेस्टी, जिसके ऊपर से ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि तेरे को ऑनेस्टी को बरकरार रखना पड़ेगा, और तेरे को क्या कहते हैं वो करना पड़ेगा कि किसी का भी सामान चोरी नहीं करना होगा। अगर तू कुछ ले रहा है तो किसी को कह के लेना। रोल्टी आजा। आ रहा हूँ। हाँ तो देख रोल्टी, तो सबसे पहले तू ये सारे रूल्स फॉलो करके हमारी टीम में आने के लिए तैयार है? यस। और अगर तू गलती से किसी टीम मेंबर को मार देता है तो तेरे को उसका सारा सामान तेरे को उसको वापस चुकाना पड़ेगा। दे दूंगा। हाँ तो ये ले। तू सबसे पहले क्या काम कर ले कि या अबे मत रिस्पॉन पर, रिस्पॉन ये ले, रिस्पॉन पॉइंट सेट कर ले, और ये ले डायमंड, और रॉयल्टी सुन वो जो, हाँ ये ले रिस्पॉन पॉइंट सेट कर ले। थैंक्स। वैसे मैं अभी 5-8 में हूं शायद। अच्छा ए भाई 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 ये क्या किया तूने योग? स्पॉन ये बना था। Let's go. इतना क्यों किया? तूने हमारा बेस देख लिया था रोल्टी। अक्कर तूने भाई यो बोला था यार। तूने हमारा बेस देख लिया था रोल्टी। हाँ तो बेस मैं कुना लेख मेरा, कुना लव मेरा। ओके अब तू आ सकता है। सुन रोल्टी, तेरे पास अभी 2 hearts होने चाहिए। अगर नहीं है, अगर एक काम कर, स्क्रीन शेयर कर और कुनाल इसके स्क्रीन शेयर चेक कर इसके पास कितने hearts हैं। भाई तुम लोगों ने मेरे साथ नाइंसाफी की है भाई। देख इसमें कोई ना इंसाफी नहीं है, क्योंकि तूने हमारा बेस देख लिया था, और हमारी टीम के हिसाब से कोई भी बंदा हमारा बेस देख लेता है तो उसको हमारे बेस के अंदर आने का कोई भी परमिशन नहीं है, और तूने मेरे बिना बुलाए तू हमारे बेस के अंदर एंटर कर चुका था। बस 3 hearts है, मारूं मैं 3 hearts है। इसको 1 heart पे छोड़ते, एक तू, एक बार तू मार दे, एक बार मैं। अरे क्यों दे के डन, हमारा काम खत्म। रॉयल्टी तो आजाद है, ये ले तेरा सामान, बाय।